दोस्तों आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं रनिंग का लॉन्ग स्टेप वर्कआउट, जिसको करके आप रनिंग के अंदर अपने स्टेप को लंबा रख सकते हो और किसी भी रनिंग को आसानी से क्लियर कर सकते हो। दोस्तों सबसे पहली एक्सरसाइज है सिंगल लेग स्ट्रेच इनसाइड। इसके लिए दोनों हाथों को जितना आपका शोल्डर है इस तरह से जमीन में रख लें और यहाँ पर इस तरह से एक पैर को दोनों हाथों के बीच में बिल्कुल फ्लैट रखें, पिछोड़े पैर को इस तरह से और सीट को सेम इसी तरह से नीचे की तरफ स्ट्रेच करें। ध्यान रहे कि जो पैर आपका आगे है वो बिल्कुल फ्लैट और पीछे वाले पैर के पंजे के ऊपर, और आपका पैर दोनों हाथों के बीच में सेम इसी तरह से सीट को नीचे की तरफ प्रेस करते हुए इस एक्सरसाइज के आप 20-20 के 3 सेट अपने वर्कआउट के अंदर शामिल करें। दोस्तों अभी है सेकंड एक्सरसाइज सिंगल लेग स्ट्रेच आउटसाइड। इसके लिए अपने दोनों हाथों को सेम इसी तरह से रखें और यहाँ पर अपने पैर को इस तरह से हाथ के सामने की तरफ लेकर के आएं। सेम इसी तरह से दोनों पैरों को हाथों से आगे की तरफ लेकर के आएं और सीट को पूरा नीचे की तरफ प्रेस करें। इसके भी आप 20-20 के 3 सेट अपने वर्कआउट के अंदर शामिल करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बोथ लेग स्ट्रेच आउटसाइड। सेम इसी तरह दोनों हाथों को रखते हुए यहाँ पर पीछे की तरफ दोनों पैर मिले हुए और सामने जब आते हो तो इस तरह से आपके जो पैर है वो दोनों हाथों के बिल्कुल साइड में और अपनी सीट को सेम इसी तरह से नीचे की तरफ प्रेस करें, और जब पीछे जाते हो तो सीट नीचे की तरफ और आपका सिर ऊपर की तरफ। इस तरह से इस एक्सरसाइज के भी 20-20 के 3 सेट अपने वर्कआउट के अंदर शामिल करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है लंजेस। इसके लिए सेम इसी तरह से अपने पैर को पूरा ऊपर की तरफ उठाएं और एक्सरसाइज करते समय ध्यान रखें कि आपका जो घुटना है हर बार आपकी चेस्ट के ऊपर सेम इसी तरह से टच रहे। इसके आप 30 मीटर के 3 सेट अपने वर्कआउट के अंदर शामिल करें। दोस्तों लास्ट एक्सरसाइज है थाई स्क्वैट्स, जिसको हम साइड लंजेस भी बोलते हैं। इसके लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से खोलते हुए राइट साइड डाउन सेम इसी तरह से बैठ जाएं। ध्यान रखें जिस पैर के ऊपर बैठे हो वो फ्लैट और दूसरे की सेम इसी तरह से एडी के ऊपर आपने बैठना है। एक्सरसाइज को करते समय ध्यान रखें कि आपकी जो बैकबोन हो बिल्कुल स्ट्रेट, जिस पैर के ऊपर बैठे हो उसके ऊपर बिल्कुल फ्लैट और दूसरे की सेम एडी के ऊपर आपने बैठना है। और इसी तरह से इस एक्सरसाइज के भी आपने 20-20 के 3 सेट अपने वर्कआउट के अंदर शामिल करना है। दोस्तों आप लोग इन 5 एक्सरसाइजों को फॉलो करके रनिंग के दौरान अपने स्टेप को लंबा खोल सकते हो और किसी भी रनिंग को आप आसानी से क्लियर कर सकते हो। जो लोग आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पैरामिलिट्री फोर्स, स्पेशल फोर्स में जाना चाहते हैं वो लोग इन एक्सरसाइजों को फॉलो करके उस रनिंग को भी आराम से क्लियर कर सकते हैं और भर्ती होकर के देश सेवा में अपना योगदान दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।